हेलो दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल पॉलिनिजा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में 13 अप्रैल की करंट अफेयर की क्लास डिस्कस करेंगे, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे वो SBI क्लर्क हो या SBI PO, RRB, JEE हो, चाहे SSCGL या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम जिसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसलिए इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिए। चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स की बेस्ट बैंक सर्वेक्षण के अनुसार ग्राहक संतुष्टि के आधार पर भारत का शीर्ष बैंक कौन सा है? HDFC बैंक, BICI बैंक, CHBI बैंक, DPNB बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, HDFC बैंक। इसका राइट आंसर है। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बता देता हूँ आपको। HDFC बैंक, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, और HDFC बैंक के CEO है आदित्य पुरी। ICICI बैंक, जिसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है, ICICI बैंक के CEO है संदीप बख्शी। इससे पहले ICICI बैंक के CEO चंदा कोचर थी, जिन्हें वीडियोकॉन मामले में दोषी पाया गया, जिसके कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। SBI बैंक, जिसका मुख्यालय भी मुंबई में स्थित है, SBI बैंक के CEO है रजनीश कुमार। इससे पहले SBI बैंक की CEO अरुंधति रॉय थी। PNB बैंक, जिसका मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, इसके CEO है सुनील मेहता। अब क्वेश्चन नंबर 2 आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राज्य सम्मान से सम्मानित किया गया है? ए अमेरिका, बी रूस, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी रूस। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम क्या है। तो इसका नाम मैं बता देता हूँ, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोसल। एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोसल। इससे पहले नरेंद्र मोदी को UAE के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, जिसका नाम है जियाद मेडल। अब क्वेश्चन नंबर 3 होकर आगे बढ़ते हैं। कौन सा देश ADIBF में सम्मानित अतिथि देश होगा? ए रूस, बी जापान, सी भारत, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत। सी इसका राइट आंसर है। रूस के बारे में बता देता हूँ, रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस एक यूरोपीय और एशियाई दोनों कंट्री है। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। जापान, जिसकी राजधानी है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन, और जापान के प्रधानमंत्री है शिंजो अबे। भारत की आप जानते होंगे, भारत की राजधानी नई दिल्ली। भारत की करेंसी है रुपया, और भारत के प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जिन्हें हाल ही में रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, प्लेपेक्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ए कानपुर, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी, डी गुवाहाटी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाराणसी। सी इसका राइट आंसर है। वाराणसी का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सरस्वती सम्मान 2018 के लिए किसे चुना गया है? ए शिवा रेड्डी, बी नीलम शर्मा, सी शशि शेखर शर्मा, डी में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शिवा रेड्डी। ए इसका राइट आंसर है। अगर हम सर्वोत्तम सम्मान की बात करें, तो ये 1991 में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत विजेताओं को 15 लाख की राशि और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सबसे पहला सर्वोत्तम सम्मान हरिवंश राय बच्चन को 1991 में प्राप्त हुआ था। उन्हें यह पुरस्कार हिंदी भाषा में अपनी आत्मकथा 4 खंडों के लिए प्राप्त हुआ था। और इससे पहले शिवा रेड्डी से पहले 2017 में जो सर्वोत्तम सम्मान प्राप्त हुआ था, वो सुधांशु यशुचंद्र को प्राप्त हुआ था, जो उन्हें गुजराती भाषा में वागर किताब के लिए प्राप्त हुआ था। आपसे पूछा जाता है, तो सबसे पहला किसको प्राप्त हुआ था, और एक इससे पहले 2017 का 2018 का पूछा जाएगा, जो आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विवि की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
ए नजमा अख्तर, बी नाजिया बेगम, सी सलमा खान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नजमा अख्तर को। ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में पहले वाटर पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए कानपुर, बी गुरुग्राम, सी पटना, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी गुरुग्राम में। बी इसका राइट आंसर है कानपुर। कानपुर की बात कर लेते हैं, ये उत्तर प्रदेश में स्थित एक शहर है, मुख्य शहर है। पटना ये बिहार की राजधानी है, और गुरुग्राम ये हरियाणा में स्थित एक शहर है। गुरुग्राम का पुराना नाम गुड़गांव भी था पहले, उसका नया नाम बदल के गुरुग्राम कर दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 की आगे बढ़ते हैं, किस कंपनी ने हाल ही में नया क्लाउड प्लेटफॉर्म एथोन्स लॉन्च किया है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी टाटा, सी गूगल, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गूगल ने। सी इसका राइट आंसर है गूगल। गूगल के बारे में कल डिस्कस किया था कि गूगल गूगल के सीईओ है संग्रे ब्रिन वलेरी पेज। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में की गई थी। कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित एक शहर है। ये आप क्या देखना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं, किस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड से वर्ष 2019 के लिए फेलोशिप प्राप्त किया है? ए दीपा मलिक, बी विराट कोहली, सी साइना नेहवाल, डीन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दीपा मलिक। आपको बता दो, दीपा मलिक एक जेवलिन थ्रो व तैराकी खिलाड़ी है, जिन्हें 2016 में पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक प्राप्त किया था। और विराट कोहली को आप जानते हो, विराट कोहली एक भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी है, और साइना नेहवाल एक बैडमिंटन प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए दीपा मलिक। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से किसे सम्मानित किया गया है? ए अरुण शौरी, बी चंदा कोचर, सी एलिस जी वेदन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी एलिस वेदन, एलिस जी वेदन। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां, हाल ही में किस छवि ने इस साल का वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार जीता है? ए साइन बर्ड, बी किंग कॉन्ग, सी टॉडलर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी टॉडलर ने। टॉडलर ने हाल ही में छवि में इस साल का वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार जीता है। तो इसका सही आंसर है सी। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां, किस राज्य सरकार की दो योजनाओं को यूएनए पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ए बिहार की, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को राज्य सरकार की दो योजनाओं को यूएनए पश्चिम बंगाल राज्य सरकार की दो योजनाओं को यूएनए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर है। बिहार की बात करें, बिहार की राजधानी पटना है, और बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। पश्चिम बंगाल, जिन्हें अभी दो योजनाओं को यूएनए पुरस्कार प्राप्त हुआ है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आप जानते होंगे ममता बनर्जी है, और पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात करें तो वह केशरीनाथ त्रिपाठी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी कर सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।